खरीदी की प्रक्रिया में नई परेशानियां खड़ी हुई है। अब किसान बारदाने के लिए परेशान हो रहे हैं। पहले ही धान की लिमिट और टोकन को लेकर परेशान किसान अब बारदाने, जिससे किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले के अंतर्गत 84 सोसाइटियां हैं, जिसके अंतर्गत कुल 91 धान खरीदी केंद्र बनाए तो जरूर गए हैं, जिनके माध्यम से जिले में धान की खरीदी की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा धान खरीदी केंद्र सुचारू रूप से चलने का दावा कर रहे हैं, मगर बीच बीच में किसानों के द्वारा कहीं बारदाना नहीं मिलना तो कहीं टोकन नहीं मिलना की शिकायत भी आम सी बात हो गई है। और हमारे धान ला पटवारी लीक जा रहे हैं, ऑनलाइन कट रहे हैं वह। हाँ। और ऑपरेटर की थे कोखर में जाओ नहीं बेचा वाटी थी। कते कल आपके जमीन लकार दे? तीन ही कल लकार दे है वह, फोर साल चार पांच ही कल लकार दे रही तो जाओ जे घर में जाना है ते घर में जाओ कर। कांग्रेस की सरकार जो भ्रमित करके किसानों को भ्रमित किया पिछले बार, 2500 रुपया तो पिछले बार दे दिया था, इस बार इनको देने के लिए इनकी नीति रीति सही नहीं रही। इस नीति रीति सही नहीं रही, ये फंडिंग की इनके पास क्या प्रॉब्लम है वो सरकार ही जाने। इसके चक्कर में किसानों को ये बहुत ही परेशान करके रखे हैं। किसानों का धान रिजेक्ट हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज दिलीप साहू फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दिलीप, जैसा कि बेमेतरा में फिर से वही परेशानी दोहराई जा रही है, किसानों को जो धान खरीदी केंद्रों पर जाकर समस्या उठानी पड़ रही है वो नई सी बात नहीं है बल्कि बहुत पुरानी समस्या है। क्या मौजूदा हालात देखने को मिल रहे हैं बेमेतरा में? जब से धान खरीदी, एक नंबर से धान खरीदी चालू हुआ है, जब से नए नए फार्मूला चालू हो रहा है, कभी धरना प्रदर्शन, कभी किसानों को और परेशानी, किसी मामले कई किसान है वहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, चक्का जाम किए हैं, और रोज नए नए कानून, नए नए इनको धान खरीदी के कोई टोकन नहीं मिलना, कभी बटाने नहीं मिलना, कभी धान में को कटौती कर देना या अभी पंजीयन में कम कर देना, नए नए तरीके सरकार के द्वारा नए नए चलाए जा रहे हैं, इससे बहुत किसान बहुत अग्रोश और किसान परेशान हो चुके हैं। चलिए रोकना चाहेंगे आपको, समिति अध्यक्ष भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र ठाकुर जी, बहुत स्वागत आपका। जी जी जी, खरीदी केंद्रों पर जो समस्या बनी हुई है, किसान परेशान हो रहे हैं, उन्होंने कैमरे के सामने आकर बोलने की भी कोशिश की है कि हमें परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? जी, ये किसानों का के साथ में तो बहुत परेशानी है। रकबा की कटाई जो है वो बेहताशा रकबा की कटाई की गई है। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे किसान हैं जिनके पास आधा से एक एकड़ है, लेकिन उनकी रकबा को शून्य कर दिया गया है और वो कुछ भी धान नहीं बेच पाएंगे, इस प्रकार की स्थिति निर्मित है। लेकिन इसके लिए आवाज तो उठानी होगी, कैसे आवाज उठाई जाएगी? आवाज के लिए हम लोग इसका जितने रिजेक्ट कर रहे हैं, मैंने सोसाइटी में कह दिया है कि जितने किसानों का धान रिजेक्ट हो रहा है सबका नाम नोट करो, हम शासन से बात करेंगे। अतिवृष्टि से अगर जो नुकसान हो रहा है, शासन उसको क्यों नहीं खरीदेगी? शासन कहती है हम एक एक दाना धान खरीदेंगे, फिर शासन मुकर क्यों रही है? शासन के उससे हम बात करेंगे। लेकिन कब बात करेंगे? वक्त तो काफी बीत चुका है और हम देख रहे हैं कि समय समय पर जो अधिकारी वो निरीक्षण करने के लिए भी आते हैं, लेकिन उन तक बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है? जी जी, ये 15 दिवस के अंदर हमारा सारे किसान भाइयों से हमने बात करने का मुझे तैयार किया है, और 15 दिवस के बाद शासन के सामने, शासन को हमारे पास बात करने के लिए आना होगा। खबर ये भी है कि बारदाने में भी दिक्कत आ रही है। शासन अगर हमारी बात नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश भर में इसकी आवाज किसानों के माध्यम से उठाया जाएगा, और इस पर यह सरकार जैसा किसानों को जीने नहीं दे रही है, उसी प्रकार हम इस सरकार को भी काम करने नहीं देंगे। क्या लगभग सभी केंद्रों पर ऐसी ही समस्या बनी हुई है? सभी केंद्रों पर ऐसी समस्या बनी हुई है। तो आखिर जो भी पूरे तौर पर जो भी अधिकारी इन सभी केंद्रों को संचालित करता है या देखता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, क्या उन तक ये बात पहुंची है या फिर कलेक्टर साहब से या उनके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उन तक ये बात पहुंची है? जी, लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, लेकिन लगातार हमारे साथ दिलीप जुड़े हुए हैं। स्वराज समता जी, दिलीप बात पूरी कीजिए अपनी।
देखिए बार बार ऐसे कई ऐसे हो गया है, जैसे देवरबीजा में भी धरना प्रदर्शन किया गया था, वहाँ पर कलेक्टर और वहाँ आला अधिकारी पहुंचे थे, फूड इंस्पेक्टर पहुंचे थे, डीएमओ जी पहुंचे थे, वहाँ पर सभी अधिकारी आले पहुंचे थे, लेकिन किसान लोग हैं उनको समझाई दिया गया था वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, फिर किसान लोग को मना लिया गया। लेकिन अभी ऐसा आनंद फार्म में हो गया, फिर रोज ऐसा नया टाइप का नियम कानून नियम लगा रहे हैं, कभी टोकन के समस्या को लेके, इससे किसान बहुत जी। जैसा कि दिलीप आपने जिक्र किया कि डीएम साहब भी पहुंचे और जो भी अधिकारी संबंधित हैं वो भी मौके पर पहुंचे, शिकायतें किसानों द्वारा कर दी गई, लेकिन जो लोग कैमरे के सामने आकर बोल रहे हैं उनका तो साफ तौर पर कहना है कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले यानी एक बार 2500 रुपए उन्हें उचित मूल्य भी मिल गया और जैसे तैसे करके, हालांकि परेशानियां भी छोटी मोटी बनी रही, लेकिन जैसे तैसे करके पिछले बार का सेशन अगर कंप्लीट हो गया तो इस सेशन में वही समस्या बनी हुई है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? देखिए यहाँ तो रोज रोज नया सरकारी कारण, रोज जो सरकारें हैं जो रोज नया नया नियम और नया नया कानून के हिसाब से, कभी कभी बरदाने के बरदाना है तो वहाँ डीएमओ से अनुमति लेके आओ या टोकन कटवाओ, टोकन के लिए कई कैसे किसान हैं 15 से 20 दिन तक टोकन की लाइन लगाए बैठे हैं, उसके बाद टोकन मिल जाता है, मिलने के लिए फिर धान को हम बुलाएंगे तब आना, ऐसे बोल के किसानों को बार बार घुमा दिया जाता है। अब ऐसे देखिए कई बार ऐसे हो गए, कलेक्टर ऑफिस भी कई बार शिकायत हो गए, कई ऐसे किसान है, कोई पूरे अध्यक्ष है सेवा सरकारी समिति के, पूरे जिले अध्यक्ष समेत पूरे जितने सोसाइटी है 84 सोसाइटी है उसमें सभी अध्यक्ष लोग आए हुए थे कलेक्टर से मैडम से मिलने, तभी उनको समझाया दिया गया था, ठीक है। मिलाकर बार बार की परेशानी है, ऐसा पहली मर्तबा नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिलीप। वही जो डोरी